ए कैंपिंग ट्रिप। ऊपर और ऊपर, चिकी पकड़ो इसे। ओह वाह, बहुत अच्छी चिड़िया रानी। चलो एक बार और करते हैं, पकड़ो इसे। कहाँ है चिकी बिकी? कहाँ है बढ़िया? कितनी ज्यादा होशियार हो तुम। तुम तो बॉल ढूंढने में बहुत अच्छी हो। लो इसे लेकर आओ। अरे बकी, बियोन। हेलो दोस्तों, सुनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रेमी कैसे हो? हम जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पर, घने जंगल में। हाँ कैंपिंग, चिकी चलो हम भी चले। रुक जाओ फ्रेनी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ। देखो असली कैंपिंग में कभी कभी बहुत खतरे होते हैं। ठीक है, पर जरा सोचो, सुंदर नजारों के लिए थोड़ा खतरा चलता है ना? प्लीज मुझे आने दो, प्लीज दोस्तों, मान जाओ ना प्लीज। बकी इसे ले चलते हैं। सोचो बकी, शायद ये हमारे किसी तरह काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम आ सकती हो, पर रोना नहीं। बिल्कुल भी नहीं, आज का दिन कितना अच्छा है। चीकी, बॉल को छोड़ो और हमारे साथ चलो, हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। क्या हम पहुंच गए? बकी क्या तुम्हें पता है कि हम कहां जा रहे हैं? हाँ मुझे सब पता है, ये देखो रिमाइंडर मैपिक। तुम हमें जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। जरूर सर, इस चमकीले रास्ते पर आइए। मंजिल तक पहुंचने का समय पृथ्वी का एक दिन या जुपिटर के 2.43 दिन या वीनस के 0.08 दिन। मैं कोई निशान छोड़ देता हूँ, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम बच जाएंगे। BPS, Berry Placement System। 12.3 कदमों में इसी रास्ते पर रहिए। अब हम बहते पानी से निकल रहे हैं, साथ में है कोई भूत तो जाएगा पीछे छूट। अपने बाई ओर देखें, यह है घास, मैंने एक जोक लिखा है। दो भालू, एक लोमड़ी, एक चिड़िया का बच्चा हाइक पर जाते हैं, ये जोक कौन पूरा करना चाहेगा? है कोई? अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं, क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं? क्या बात है, वाह कितना सुंदर नजारा है। हम चले और आओ कुछ खेले, चाहे सूरज हो रोशन या बारिश के मौसम पर गाना बनाएं या हमें किताब पर जाएं। कैंपिंग की तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल सही, मैं जैसे प्रकृति की बाहों में झूल रहा हूँ। तो सब तैयारी हो गई है, रिमाइंडर मैटिक हमें रास्ता बताओ। जैसा आप कहें, मैं रास्ता बताता हूँ बिल्कुल अभी। ओ, बैटरी खत्म हो गई। बियॉन क्या तुम्हारे पास रिमाइंडर मैटिक की बैटरीज हैं? हाँ है तो बहुत सारी, पर फिलहाल एक भी नहीं है। अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? बेरीज के पीछे चलो। क्या? कौन सी बेरीज? वही जो यहाँ से घर के बीच रोवन के पेड़ पर उगते हैं। मैंने चुपके से उनके निशान बना दिए थे, बस अब हमें उनके पीछे पीछे जाना है। रोवन बेरीज के निशान, ये कुछ अजीब है बियॉन। फिर भी अच्छी सोच है बियॉन, ये लगता तो कुछ पुराने जमाने का है, पर चलो कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तुमने देखा बकी, मशीन नेविगेशन से हमेशा अच्छे होते हैं स्मार्ट बेयर के पुराने तरीके। घबराओ मत, हमारे पास है कंपास। बढ़िया, वैसे कंपास क्या है? ये एक मशीन है जो हमें उत्तर दिशा बताती है। उत्तर वहाँ है, उस तरफ। तो क्या हमारा घर उत्तर में है? वैसे पता नहीं, ये कंपास तो किसी भी काम का नहीं है। मेरी सयानी चिकी विकी, सुनो दोस्तों, मेरे पास घर पहुँचने का एक बढ़िया आइडिया है। जरा ये देखो चीकी, जाओ बॉल ढूंढ कर लाओ। तुम कर सकती हो मेरी दोस्त, इससे कुछ होने वाला है, बस देखते जाओ। जल्दी चीकी का पीछा करो, उसके साथ ही रहना, ये बहुत तेज दौड़ती है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तुम बिल्कुल सही जा रही हो चीकी विकी। चिकी बैटरी पर तो काम नहीं करती ना? नहीं बकी, मैं जानता था। ओके, तुमने कर दिखाया। चिकी तुम तो बढ़िया नेविगेटर हो, हम कल फिर से कैंपिंग पर जाएंगे। क्या हम भी आ सकते हैं? जरूर, पर अपनी बॉल यहाँ छोड़ना मत भूलना। चिकी, क्या तुम मुझे भी बॉल ढूंढना सिखाओगी? एक
छोटा सा एडवेंचर। क्या बात है, मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ। बाप रे बियॉन, 100 बार, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूँ? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये लो फ्रेनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ अपने भाई को ढूंढो, तुम बस देखते रहना। ये जा रही है, तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ, नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी हैं और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है, जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाए। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रेनी, सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रेनी अभी भी नॉर्मल है। छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रेनी, अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही, अब इन बॉल्स का क्या फायदा, हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है, ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है, हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है, मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? ट्रेनी जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और, बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई, बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है, हम यहाँ है चिकी, नीचे देखो। डायनासोर लग रहा है, चिकीसॉरस रेक्स, नहीं बिग सेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना नहीं। तुम डर क्यों रहे हो, वो सिर्फ चिकी है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा बियॉन। प्यारी चिकी, ये हम हैं तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना, रेनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? रेनी, रेनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रेनी, बढ़िया काम किया। अरे, अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चलें और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेलें? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया, ये खेल मुझे बहुत पसंद है। बियॉन, अब ये तुम्हारी बारी। और वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था मैं, नहीं पहुंच पा रही, ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है। एक बार
भी। काकी, क्या वो अभी भी खा रहे हैं? क्या तुम देख नहीं सकती? रॉड को देखो। मुझे क्या पता, ये मेरा पहली बार है। तुम्हें कुछ मिला बियॉन? अरे वो चीज डूब रही है। कुछ मिल गया है। बियॉन, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए मेरी तरह। खाना। चलो दोस्त, मेरी हेल्प करो। ये बहुत बड़ी है, लगता है बेल है। ये मछली नहीं है। हाँ, वो भी मिल जाएगी। पर कल मैंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, वो एक वॉपर थी। इतनी बड़ी मछली यहाँ नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ छोटी मछलियाँ मिलती हैं बकी। ये तो बहुत बड़ी है। क्या तुमने देखा उसे? हे बियॉन, जल्दी आओ। ये है मेरी इच्छा जाने कब से, कि पकड़ूं वो मोटी मछली झट से। हमारा खाना। अरे वाह, मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा खाना मिला है। ये बहुत ताकतवर है। ये किसी तरह की सुपर मछली है। दोस्तों, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ एक मछली है। ठीक है, मुझे पता है इसे कैसे पकड़ेंगे। ये उत्तर का प्राचीन तरीका है। हम पानी के पास बैठ जाएंगे, फिर अपने पंजे अपनी नाक पर रखेंगे। बियॉन, हमने पंजे नाक पर क्यों रखे हैं? ताकि हम बर्फ की तरह दिखें और मछली हमें देख ना पाए। बियॉन, कैसी बर्फ? ये गर्मी का मौसम है। हो रही। चिकी, नहीं। मैंने उसे पकड़ लिया दोस्तों। उसे तुम मजेदार लग रहे हो। समझ गए फ्रेनी, थैंक्स। सच्चाई का सामना करो। बियॉन सुनो, मछली पकड़ने के लिए हमें वो सब करना होगा जो मछली करती है, हमें खुद भी मछली बनना होगा। तो ठीक है फ्रेनी, क्या हम मछली लग रहे हैं? नहीं। हाँ, लेकिन पानी में जाने के बाद जरूर लगेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। बाकी इस सूट में तैरने में तकलीफ हो रही है। ये सूट नहीं है, तुम्हें सोचना होगा तुम मछली हो। मैं मछली हूँ, मैं मछली हूँ। मछली, तुम सुनो, मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है, सुन रही हो? बाकी क्या ख्याल आ रहा है, हम पानी के नीचे मछली पकड़ेंगे? नहीं, हम हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड बनाएंगे। नहीं, पानी के अंदर मछली पकड़नी चाहिए। नहीं, हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। मछली पकड़ने में जो पीछे रह जाएगा वो होगा सड़ा हुआ अंडा। अरे दोस्तों, मुझे लगता है वो हमारे साथ खेलना चाहती है। करो दुश्मन का सामना। स्क्रू और बेल्ट, ऐसे ही। मास्क, स्नॉर्कल, डार्ट, बंदूक, जूते। अब देखो मेरे जीनियस दिमाग का कमाल, मेरी हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। वो हंसने वाली मछली अब होगी मेरी। चौंको मत मछली। बस सावधान हो जाओ, आ रहा है शक्तिशाली बियॉन और बाकी बैर। चलो, ये है शिकार का टाइम। ये तुम हो? मैं बाकी हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो सच में। तुम्हारी रॉड को लगता है हम मछली हैं। क्या तुम हमें निकालोगे? बिल्कुल क्यों नहीं, वो लीवर वहाँ पर है। मैं करता हूँ, मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। हेलो दोस्तों, तुम दोनों बहुत अजीब लग रहे हो। अरे वाह फ्रेनी। हे फ्रेनी, क्या तुम हमें यहाँ से छुड़ा सकती हो? हाँ जरूर, पर कैसे? वाह क्या बात है, मछली पास आ रही तो, है। सुनो मछली, तुम हम पर यहाँ हंसने आई हो ना? प्यारी मछली, इसके लिए शुक्रिया। वो क्या था, मैं सोच रहा था कि वो हम पर हंसने आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। वाह। यह है मेरी इच्छा जाने कब से, कि मैं खेलूं अपनी नई मछली दोस्त के साथ।
तेरी बाइक से मुझे प्यार है। तुम लोगों की साइकिल तो बहुत ही तेज है। वो तो है, तो बियॉन ओक के पेड़ों से पापा से एक रेस हो जाए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ रेस के लिए। देखते हैं, मेरी साइकिल ज्यादा तेज है। संभालोगे बकी? मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। बाकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेहतर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी साइकिल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, उसमें कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करूँगा और पहले से अच्छा बनाऊँगा। मैं बनाऊँगा एक साइकिल नई, उसके जैसा होगा नहीं कोई। मैं बनाऊँगा एक साइकिल नई, पॉलिशर पावर से होगी भरपूर। मैं बनाऊँगा मशीन नई, जैसी दुनिया में किसी ने देखी नहीं। मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। टडा, तो राइड करें। ये है मेरी सुपर पावर ट्रॉनिक सुपडप मेगा बाइक। मैं उसे कहूँगा बाइकलीज। बहुत बढ़िया दोस्त, ये बढ़िया है। चलो डेयर डेविल हिल्स पर राइड करते हैं, यहाँ के रास्ते अच्छे हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इंतजार किसका? जरा रुको, तुम वो बादल नहीं देख रहे? इसका मतलब बारिश होगी, उसका मतलब है गड्ढे और कीचड़। मुझे लगता है बाइकलीज गंदी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा करते हैं, फिर कभी चलते हैं। बाकी बारिश नहीं होने वाली। यानी बस मैं और बियॉन जा रहे हैं, हम आकर तुम्हें वहाँ के बारे में बताएंगे। ये क्या हो गया, वो मुझे छोड़ के चले गए? हे रुको, मैं आ रहा हूँ। बाकी क्या तुम इसी तरह अपनी साइकिल को उठाकर ले जाने वाले हो? हाँ जरूर, इससे वो गंदी भी नहीं होगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। बहुत मजा आ रहा है। वाओई जाओई। तो ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। ये तो बहुत गजब का है। थक गया। वहाँ देखो, तो वहाँ तो सच में बाइक रैंप्स हैं। ओ काश के मैं वहाँ जा पाता। तो मैं सोच रहा था, अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो तुम अगर चाहो तो मेरी साइकिल चला सकते हो। पियोन, तुम्हारी साइकिल तो अच्छी नहीं है, खराब लग रही है, लेकिन मैं काम चला लूंगा। चलो जी, कूदो, ट्रिक्स करो, रोमांच। मैं डियर डेविल हिल पर चढ़ रहा हूँ, ये बहुत ऊंचा है। और तेज चलो, मुझे मजा आ रहा है, ये तो मजेदार है। मजा आ गया। थैंक यू बियॉन। अरे नहीं, ये क्या? हाँ, तुम्हारी साइकिल मेरी बाइक के लिए इसकी तरह मजबूत नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साइकिल ठीक कर देता हूँ, तब तक तुम चाहो तो मेरी साइकिल को तुम चला सकते हो। हाँ? बाइकुलीस, तुम्हें सच में कोई एतराज तो नहीं है? एतराज? दोस्त के लिए तो कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है, ये साइकिल सिर्फ देखने के लिए बनाई है? सच बकी, थैंक्स। ये तो शानदार है। बाइकुलीस का सब भी है। बाकी की तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी साइकिल है। बाकी मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया करूं? तुम्हारी बाइकुलीस सच में एक सुपर बाइक है। शुक्रिया बियॉन, वैसे तुम्हारी साइकिल भी ठीक हो गई है। ये लो, द बाइकोसॉरस रेक्स। वाओ, ये तो बहुत अच्छी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया बकी, विश्वास नहीं होता कि ये मेरी है। तो सुनो दोस्तों, क्या तुम दोनों घर जाने के लिए तैयार हो? ओके पेड़ तक कौन पहले जाता है? चलो भी बियॉन, तुम नहीं आ रहे क्या? वैसे सच कहूँ, मैं अपनी बाइकोसॉरस रेक्स को गंदा नहीं करना चाहता, तो तुम मैं बस उस पर धूल नहीं आने देना चाहता।
एक रेगिस्तानी आइलैंड। निकल पड़े हैं समंदर में दो प्यारे भालू, एक भूरा और एक सफेद, साथ में है प्यारी लोमड़ी जिसको पसंद है भालू। बाकी तुमने हमारी बोट के लिए स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? बोलो। कोई बात नहीं, हमारी बोट हवा से चल रही है ना। पर अगर तूफान आ गया तो? या कोई पत्थर? आसमान साफ है, कोई तूफान नहीं आने वाला। ठीक है, मैं चिंता नहीं करता, पर ये चिकी को क्या हो गया? वाह, तूफान! ये कहां से आ गया? बोट को घुमाओ, जल्दी घुमाओ। नहीं घुमा सकता क्योंकि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ओ, मैंने स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? कछुआ, कछुआ कहां है बाकी सब? बाकी, तुम ठीक तो हो ना? हां ठीक हूं, पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम रेगिस्तान में फंस गए हैं, ये देखो। हम रेगिस्तान में हैं क्या सच में? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। सुनो, सुनो, कोई बचाओ। हे, देखो क्या मिला। इसे दिखाकर क्या फायदा, नाव तो है ही नहीं हमारे पास। ए, दोस्तों देखो, हमारा जंगल। अरे वाह, हम तैर कर जा सकते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। बाकी पानी में शार्क्स हो सकती हैं। तो मैं नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता। देखो दोस्तों, मुझे दूरबीन मिली। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हर तरफ पानी है, पानी, ढेर सारा पानी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखा। वो जो कुछ भी है वो ज़ेब्रा हो सकता है। वो खूंखार मछली भी हो सकती है। मैंने ज़ेब्रा जैसी मछली देखी है। तो दोस्तों, अब हम इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस गए हैं। बाकी कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, देख लेना। तुमने सही कहा, हमें आग जलाकर संकेत देना चाहिए। जो भी देखेगा हमें बचाने आएगा, ये मैंने फिल्मों में देखा है। सुनो, वो सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन टुकड़ों से बोट बनाऊंगा। पर तुम बिना औजार के कैसे बोट बनाओगे? बाकी तुम बस देखते जाओ। चिकी, मेरे साथ आओ। बढ़िया, ये काम आएगा। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है, ये सही नहीं है, पर काम आएगा। मैं भी बकी से अच्छी नाव बना सकता हूँ। मैं इस पेड़ की मजबूत लकड़ी से एक छोटी नाव बना सकता हूँ, लेकिन पहले पेड़ को गिराना होगा। अब इस पहले को सुलझाना है। हाँ? पहले कोने, कोने तैयार करो पहले। कैसे जाएंगे हम घर अगर नहीं कर पाएंगे सफर? चलते रहो कछुआ बड़ी, चलते रहो। इस ढेर को वहाँ पर रखो। ठीक है, अब मैं इस पेड़ को गिरा कर रहूँगा। अगर तुम्हारी नाव नहीं होती है तैयार, तो कैसे जाओगे घर? इसी से बना लेता हूँ। और ये है आखिरी हिस्सा, बन गई नाव। सिर्फ बकी ही अपना दिमाग नहीं चला सकता। ये तो बढ़िया है पियोन, अब बस तुम्हें चप्पू बनाने हैं। हट जाओ, क्योंकि अब आ रहा है मेरा जहाज। क्या बात है। बूम, जैसा मैंने कहा था वैसा बना दिया। अब ये हमेशा की तरह अपनी तारीफ करेगा। बम बम बम, आ जाओ सफेद भालू और छोटी लोमड़ी, सफर शुरू करते हैं। चलो, ये हो गया। अरे नहीं, ये तो गया। चलो चलो कछुआ बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कोई और तरीका है? क्यों ना ऐसा करें कि टूटे जहाज से हवाई जहाज बनाए। ये दोस्तों देखो, कछुआ अच्छे से तैरता है ना। कछुआ? हाँ, हम बच जाएंगे। पियोन, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये सारे कछुए मेरे दोस्त हैं। कछुआ रेस, क्या बात है। पियोन, रेस लगाओ। वापस निकल पड़े करने सफर, अब दूर नहीं हमारा घर। कैसे हो चिकी? वैसे तो चिड़िया उड़कर कहीं भी जा सकती है। तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आ जाओ। क्या वो ज़ेब्रा मछली है? पता है, उसे भूरे भालू खाती है और वो भूखी भी लग रही है।
हवाई सफर। कैसे हो बियॉन मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? बाकी मैं ठीक हूँ, मैं बस कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यानी कि तुम घूमने जा रहे हो, क्या मैं साथ चलूं? क्यों नहीं, चलो साथ चलें। मुझे तो घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन पैदल नहीं। सफर धीमा हो जाता है और ज्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते, और मैं खो भी सकता हूँ। हम नहीं खोने वाले, क्योंकि मेरे पास ये कंपास है। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। रस्सी है ना तुम्हारे पास? बढ़िया, ये चलेगी। कल सुबह अपना सामान लेके मेरे घर आ जाना, अब आएगा मजा। हाय बकी, अरे ये क्या है, ये क्या चीज है बकी? ये हमारे लिए है, गर्म हवा का गुब्बारा। आ जाओ, ऊपर आओ, अब निकलते हैं सफर पर। मैं उड़कर सफर नहीं करना चाहता बकी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उड़ता भालू नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं, बलून में हमारे साथ हमारा सामान भी आएगा, और इसमें से हम खोएंगे नहीं, ऊपर से सब दिखता है। अगर तुम्हारी बात सही भी है, तो भी आज उड़ने के लिए मौसम खराब है। समझ गया, तुम्हें उड़ने से डर लगता है। क्या? मैं नहीं डरता उड़ने से। क्या वाकई? मुसीबत। हे बकी, कुछ करो बियॉन, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, ये तूफान है। मुझे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी दक्षिण में आ गए हैं। तुम्हें पता है मैं इस तरफ कभी नहीं आया हूँ। हमें और कितनी देर तक उड़ना होगा बियॉन? जब तक ये तेज हवा बंद नहीं हो जाती, तब तक हम उड़ते रहेंगे। माफ करना, मैं इस पर घूमना चाहता था। ओह, ये तो बहुत तेज है। सांस रोको। हमारी मदद करो। देखो कितनी बड़ी क्रेन। ध्यान से पहाड़। अरे ये तो ज्वालामुखी है। ये गुब्बारा रुकता क्यों नहीं? हाँ, तुम सही थे, गुब्बारे से सफर करना ठीक नहीं। अब हमें पैदल घर जाना चाहिए। लेकिन घर है कहाँ? हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें रास्ता नहीं पता। तो मैं भी क्या करूँ, तुम्हारे पास कंपास है ना, निकालो। अरे हाँ, वो तो मेरे सामान के साथ ही था, तो शायद तुम्हारे घर पर छूट गया। बढ़िया, अब बताओ हम क्या करें, घर कैसे जाएं? मुझे जाना है। बाकी तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम सही हो दोस्त। हम तुम्हारे इस गुब्बारे में सफर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक आइडिया आया है। ये तो कमाल का तरीका है बियॉन, बहुत जबरदस्त नजारा है। बाकी रास्ता भी बताना है, ये मत भूलना। अपना काम करो। लेफ्ट जाओ, बढ़िया, ज्वालामुखी फिर से दिखा। अब राइट जाओ, सीधे चलो, सही जा रहे हो दोस्त। अच्छा ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ताकि मैं भी हवाई सफर कर सकूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत देर से गुब्बारा खींच रहा हूँ? मैं थक गया हूँ। ओह, मेरा मफलर। अरे वाह, हम बिजली के खंभे तक आ गए। राइट को चलो। ठीक है। बाकी दूसरी तरफ। ओ बकी, तुम्हारा घर दिख गया। अरे वाह, हम आ गए। हाँ, सफर मजेदार था, क्यों ना कल उत्तर की तरफ खो जाएं? तुमने क्या कहा? बियॉन, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम यहाँ से सब कुछ देख सकते हो, यही कारण है भालू के पंख न होने का।
आसमान का सफर। मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा? कहाँ गिरा है? पियोन चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा। आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया, तभी अचानक धड़ाम, वहाँ एक तारा गिरा, टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ यही पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का। ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था। हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बाकी आसमान बहुत बहुत दूर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना। इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ सही कहा, ये इस तरह से है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है, तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो है। दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर? ओ फ्रेनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्ष यान कैसा लगा? हे फ्रेनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2 पौने दो, और ये हुआ 1.5, और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं। हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम, यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है, मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रेनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी कान की बाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओ नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या, कहाँ? आसमान में, हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो कोई बात नहीं, अब वो आसमान में रात को चमचम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दें? कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा।
उत्तर का अभियान। दिन हो तो ऐसा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। ओह, बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत गर्मी है। बियॉन, तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ। सही कहा, हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियां करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है बियॉन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छी स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना बियॉन, तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको एक मिनट। बस हो गया, मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। तो अब बस तैयार हो जाओ बियॉन, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बाकी? हाँ क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है, तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो। कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बाकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं। और ये मत भूलना बियॉन कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा ऐसा है, तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकते हो बियॉन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊँ तो जाने की जरूरत ही क्या है? मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन अब यही रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास उत्तर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है। अच्छा सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती, फिर तो अच्छी बात है।
सबसे अच्छी जगह की तलाश। दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया, और ये हो गया। बाकी चलो ना, बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर, इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चले। हाँ, जानते ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? दोस्तों कहाँ चले गए? बियॉन, ये कहाँ पर है? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, इससे खूबसूरत जगह पे मैं कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात, मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। ये है मजेदार जगह। पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो उड़ जा रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन, पानी है क्या तुम्हारे पास, थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है, ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं, मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन, मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो हमें पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है, वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थी? क्या ये फ्रेनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार, तुम दोनों गायब हो गए थे। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रेनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो हम घर आ गए। हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं, अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। एक मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास मशीन।